पागल आदमी के लिए कोई नीति, सिद्धांत, कोई प्रोटोकॉल जो मानसिक रूप से दिवालिया हो जाए उसके लिए लागू नहीं होता है। पागल को सबसे एग्जम्प्टेड है, पागल को पृथ्वी से बड़ा समझते हैं। पागल के सामने कुछ नहीं है, न पृथ्वी है न परमात्मा है, पागल सबसे सर्वोपरि है। महत्वपूर्ण बैठक हो, महत्वपूर्ण बैठक में भी जेकर दिमाग में समझ में आएगा उसको ना, जो मानसिक रूप से डिरेल्ड है उसको इसे क्या लेना देना। निश्चित रूप से ये जहाँ जहाँ जाते हैं फाटक जी घोटाले ही करते हैं। शिक्षा में ये ठेकेदारों का जो एक दौर चला, अभी चारों तरफ कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदारे नजर आ रहा है, कोई मास्टर नजर नहीं आ रहा है, तो ये लूटने लुटाने का सब प्रोसीजर है और उसमें के पाठक सबसे आगे है। बीजेपी MLC नवल किशोर यादव हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। नवल जी, राज्यपाल जिस तरीके से के पाठक को बुला रहे हैं, उस मीटिंग में के पाठक पहुंच नहीं रह रहे हैं, देखा जाए तो बीते दिनों का मामला है, ऐसे में के पाठक को बुलाया गया था राज्यपाल के द्वारा, आधा घंटा तक इंतजार करवाया उन्होंने, उसके बाद आए नहीं, ये दूसरी बार। नहीं, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि महामहिम जिसको जिस मीटिंग के लिए टाइम देते हैं किसी आदमी को, वो शेड्यूल पहले से तय रहता है उसका, वो इंतजार नहीं करते, वो प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल में होंगे। और पागल आदमी के लिए कोई नीति, सिद्धांत, कोई प्रोटोकॉल जो मानसिक रूप से दिवालिया हो जाए उसके लिए लागू नहीं होता है, पागल को सबसे एग्जम्प्टेड है। राज्यपाल से भी बड़ा समझ रहे हैं अपने आप को, पागल को ना, पागल को पृथ्वी से बड़ा समझते हैं। पागल के सामने कुछ नहीं है, ना पृथ्वी है ना परमात्मा है, पागल सबसे सर्वोपरि है। कहा गया था कि महत्वपूर्ण बैठक थी, तमाम कॉलेजों को लेकर कुलपतियों को भी बुलाया गया, महत्वपूर्ण बैठक हो, महत्वपूर्ण बैठक में भी जेकर दिमाग में समझ में आएगा उसको ना, जो मानसिक रूप से डिरेल्ड है उसको इसे क्या लेना देना है, इसलिए उन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। बिहार के तमाम स्कूलों में कई सारे सवाल उठ रहे हैं अब जाकर, जिस तरीके से घोटाले के आरोप लग रहे हैं अब जाकर अधिकारियों पर, कहा जा रहा है काफी ज्यादा घोटाला। निश्चित रूप से ये जहाँ जहाँ जाते हैं फाटक जी घोटाले ही करते हैं, चाहे जिस विभाग में जाएं, ड्रोन खरीदवाना हो, हेलीकॉप्टर से घूमना हो, बालू माफिया को प्रमोशन देना हो, अभी शिक्षा में ये ठेकेदारों का जो एक दौर चला, अभी चारों तरफ कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदारे नजर आ रहा है, कोई मास्टर नजर नहीं आ रहा है, तो ये लूटने लुटाने का सब प्रोसीजर है और उसमें के पाठक सबसे आगे है और वो रहते हैं उस पर। मैंने मुख्यमंत्री जी से और महामहिम राज्यपाल से उस पर जांच कराने की मांग भी की है। क्या रिप्लाई कुछ है उधर से, कुछ रिस्पॉन्स? अभी चुनाव है तो रिप्लाई का ही तो जैवे कर दें, तो इनको तो जाना है, इन पर कार्रवाई भी होगी, अभी तो चुनाव में सब आदमी फंसा हुआ है। आपने बोला कार्रवाई होगी, लेकिन देखा जाए तो आप लोग सत्ता में हैं, पहले से कई सारे सवाल उठाते हैं। तो हम लोग उस सत्ता में हैं तो ओकरे से पागल हैं कि ढेला फेंक के माथा फोड़ दें? अरे सिस्टम में से ना कार्रवाई होगी, सिस्टम से कार्रवाई होगी, वो जाएंगे हटेंगे और कार्रवाई भी होगी। नए अधिकारी की जरूरत है शिक्षा विभाग, अधिकारी नया पुराना कौन होते, कौन इनका से संगा संबंधी, इनका से शादी ब्याह कर रहा है, रिश्ता जोड़ना है? अरे नौकर है, आज ही नौकर है, कलू नौकर रहेगा, परसू नौकर रहेगा, नौकरी नौकरी करने की आता है जाता है, कभी ये विभाग में कभी वो विभाग में, इससे बहुत रिश्तेदारी करने का चीज थोड़े है। देखिए बीजेपी MLC नवल किशोर यादव थे के पाठक के तुगलक की फरमान हो या फिर उनके अपना रुख जो है उसको लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया देते हैं, साफ कहते हुए नजर आते कि जिस तरीके से अपना रुख अपना रहे हैं के पाठक, वो पागल हो गए हैं, ऐसे में दिवाली अपन के शिकार हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनको हटाने की जरूरत है और ऐसे में चुनाव के बाद उनको हटाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी नीतीश कुमार क्या कुछ के पाठक को लेकर आदेश निकालते हैं, और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।